अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होंगे। मैं हूं आसिफ हुसैन और वेलकम करता हूं आपका फिर से एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो यार काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा व्लॉग आ रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया क्योंकि भाई यार कुछ मसरूफियात थी। तो अभी भी मैं इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ। इस वक्त अभी आप वहाँ दिन को तो रोज़ा होता है, रोज़े में इसलिए काम नहीं कर सकता हूँ। आज है यहाँ पर 23वां रोज़ा और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या काम किया यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, अभी हम यहाँ पे देखें ये जो फर्श की टाइलें हैं ना वो लगानी है अभी हमने। तो उसके लिए हमने ये रेत वगैरह फेंक दें। यार इस बिल्डिंग में ना यकीन करें हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो गया, मतलब के नुकसान में नुकसान ही समझे। देखें आप ये देख सकते हैं तकरीबन ये 25 से 30 सेंटी यहाँ पे नीचे रेत आ रही है। मतलब इसके ऊपर हम अभी टाइल लगाएंगे क्योंकि पहले वो जो बिजली वाले और जो प्लम्बरिंग का काम हुआ है ना वो पाइप नीचे से काफ़ी ऊपर लगाए हुए हैं तो इस वजह से हमें नुकसान हो गया। ये अभी यहाँ पे है तो अंधेरे है, चले फिर भी आपको बता देता हूँ। चेक करें पाइप जो थे ना पहले वो बहुत ऊपर लगा दिए तो इस वजह से हमें रेत अब ज़्यादा डालनी पड़ रही है। ये ऊपर सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर नहीं है ये, सेकंड फ्लोर सॉरी फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है ये। तो ग्राउंड फ्लोर नीचे है, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग है बस दो मंजिल। देख सकते हैं आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेत आ रही है। तो ये इधर नॉर्मल सीट है और इधर फ्रेंच ही लगेगी, तो वो जो दूसरी फ्रेंच होती है वो वाली। ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमने ये दीवारों में वाल की सारी टाइल्स वगैरह कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन नीचे यार यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना ये रेत बहुत आ रही है नीचे, मतलब जो ब्राई करनी है हमने ना वो बहुत ज़्यादा आ रही है। ये देख सकते हैं आप इस तरफ देख, यहाँ से ऊपर हमने छत पे नीचे से विंड के साथ ऊपर छत पे डाली है पहले मशीन के साथ रेत, वहाँ से ऊपर से हम रेड़ियाँ भर के वहाँ से ये सीढ़ियाँ उधर से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, नीचे से ऊपर आ रही हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से ऊपर जा रही हैं, वहाँ से ऊपर से हमने रेत रेड़ियों से भर के पहले नीचे उतारते हैं फिर यहाँ से पूरे पूरे पूरे। तो अभी उस साइड तो अंधेरा है, नहीं दिखा सकता हूँ आपको। तो कल इंशाल्लाह, कल नहीं सॉरी थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे दूसरी तरफ में ले जाऊँगा, फिर आपको उस साइड पे बता दूंगा कि उस साइड पे कितनी टोटल कमरे फिल हो गए उस साइड पे। अभी ये इस तरफ रह रहे और इधर पीछे रह रहे, मेरे पीछे बिल्कुल ये देखिए इधर पीछे रह रहे, बस ये पीछे रह रहे, बाकी हमने ये सारा फिल कर दिए। तो अभी ऊपर से और भी उतारेंगे, तकरीबन यहाँ पर चार ट्रेले वो पाकिस्तान में जिसे डंपर कहते हैं ना वो चार डंपर यहाँ पे अभी हमने डाल दिए। ये देखिए 30 से 35 सेंटी यहाँ पे रेत आ रही है, काफ़ी ज़्यादा है तो हमें काफ़ी सारा टाइम लग गया इसको डालते डालते। देख सकते हैं आप ये देखिए अभी हमने डाल दिए यहाँ पे रेत, पहले वो पीछे तक थी आपको मैंने दिखाई थी, अभी ये जगह बाकी बच रही है ये वाली। बाहर तो काफ़ी अंधेरा है, हमने लाइट लगाई हुई है, ये देख सकते हैं इस साइड भी अभी डालेंगे, इस साइड भी डालेंगे और इस हमाम में भी, मतलब ये वाले वाशरूम में और ये बाहर जो जगह इसमें भी। फिर ये वाला कमरा रह रहे, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये वाला कमरा पूरा खाली रह रहे, तो हमने इस साइड भी डाल दी, इस साइड डाल दिया, लेकिन ये वाला कमरा रह रहे और ये आधा ये रह रहे। ये देखें यहाँ से अभी हमने हटा दिए वो जो पहले डाली हुई थी ऊपर से नीचे फेंकी थी वो उठा के वहाँ पर डाल दिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं फिर दिखाता हूँ आपको कि छत के ऊपर देख सकते हैं आप ये छत के ऊपर यहाँ से नीचे फेंकेंगे रास्ते में लाइट की, यहाँ से ये है बाहर देख सकते हैं आप, ये रेत पड़ी हुई है और यहाँ से भर के लाएंगे, यहाँ से नीचे उतार देंगे, यहाँ से नीचे उतारते जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से नीचे उतारते जाएंगे, यहाँ से रेडी में भर के लाते जाएंगे। और नीचे दिन को बारिश हुई थी तो इस वजह से गीली होगी रेत, तो नीचे से विंच के साथ ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे विंच वो मशीन डाल देती है फिर हम यहाँ से नीचे लेके चले जाएंगे। जी तो गाइस अभी आप देख सकते हैं, रुकिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये देख सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये कम्प्लीट कर लिया सब कुछ। ऊपर से जो वो नया एक ट्रेला मंगवाया था रेत का वो उतार दिए नीचे और यहाँ से उठा के ये वाला रूम भी ये वाला कमरा पूरा फिल कर दिया हमने इस साइड पे, ये हमाम भी और ये बीच में से थोड़ा सा रास्ता छोड़ा अभी हमने क्योंकि शायद और लगे, ये यहाँ पे देख ये वाली जगह हमने खाली छोड़ी है क्योंकि यहाँ पर हम माल वगैरह बनाएंगे ना टाइल लगाने के लिए, तो इसी रेत का माल भी इसी रेत का बनाएंगे। तो नीचे से सीमेंट लानी है और बस
फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो 3 बजने वाले हैं, सहरी का टाइम होने वाला है, इस साइड को पूरा फिलहाल इंशाल्लाह। कल आपको मैं सब बताऊंगा ना, तो ये जो हमाम के फर्श हैं वो भी लगाएंगे कल इंशाल्लाह, फर्श की जो टाइलें हैं फ्लोर की वो लगाएंगे कल इंशाल्लाह, फिर उसका आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, तो देख सकते हैं आप। या जी, तो गाइस ये था हमारा एक छोटा सा ब्लॉग, मैंने सोचा अपने व्यूज़ के साथ शेयर कर दूँ कि क्या काम हो रहा है आजकल, मतलब क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो ये छोटा सा व्लॉग था, इंशाल्लाह आज के बाद डेली रूटीन पे व्लॉग आया करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक जरूर करें, बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे बिल्कुल नहीं लगते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल के लिए, कल तक अल्लाह हाफिज़।